हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वजन फिर मिले हैं एक नई सोच और उम्मीद के साथ। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्नैपशॉट की बुक का चैप्टर नंबर 2, द एड्रेस व्हिच इज रिटन बाय मार्गो मिंको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है द एड्रेस। सो आप सभी को चैप्टर के नाम को पढ़ के समझ आ रहा होगा कि ये जो स्टोरी है वो एड्रेस के ऊपर बेस है। यस गाइस, जो ये स्टोरी है वो पूरी एड्रेस के ऊपर ही बेस है। एंड अभी तक आपने अगर अपनी बुक की समरी नहीं पढ़ी है तो डोंट नीड टू वरी, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है एंड कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए, थोड़े रिवाइज कीजिए, अपनी स्टोरी में याद कीजिए एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इस स्टोरी में करेक्टर्स हैं 4। फर्स्ट ऑथर मार्गो मिंको, एंड सेकंड उनकी मम्मा मिसेस एस, थर्ड है मिस डार्लिंग, एंड फोर्थ है डार्लिंग स्टॉटो। चारों ही लेडीज हैं। इस स्टोरी में किसी भी मेन की बात नहीं की गई है। इस चैप्टर में ऑथर जो है वो जाती है हॉलैंड। क्यों जाती है? अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए। एंड कब जाती है? आफ्टर दी वॉर। एंड ये वॉर कौन सा है? ये वॉर हिटलर के टाइम का है, जब नाजीज और ज्यूस के बीच में वॉर थी। एंड ज्यूस को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था, जहां पर उनको इतना बैडली ट्रीट किया जाता था कि बहुत ही कम लोग थे जो वहां से सर्वाइव करके वापस आ पाते थे। एंड जो ऑथर थी वो बहुत ही मुश्किल से वहां पे सर्वाइव करके आ पाई थी, उनकी फैमिली नहीं आ पाई थी वहां से। सो ऑथर जो है जाती है कहाँ पे? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको लर्न कीजिए कि ऑथर किस एड्रेस पे जाती हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही दी एड्रेस है तो एड्रेस को तो याद रखना होगा ना। सो याद रखिए, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इसके बाद क्या होता है? सो नरेटर वहां पे जाती है और डोर पे नॉक नॉक करती है। सो अंदर से एक लेडीज आती है बाहर, एंड वो कहती है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, कि आप मुझे जानती हैं। सो जो वुमेन है वो उनको स्टेयरिंग करने लगते हैं, इनकी घूरने लगती है कि आखिर ये है कौन। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। जो लेडी अंदर से निकलकर बाहर आती है उनके फेस पर कोई भी रिकॉग्नाइजेशन का साइन नहीं होता। ऐसा लगता ही नहीं कि भाई ऐसे नाम की लड़की को भी मैं कोई जानती हूँ। मतलब ऐसे करते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जानती। एंड नरेटर को क्या लगता है, कहीं मैं गलत घर पे तो नहीं आ गई, कहीं किसी और का घर तो नहीं है। नरेटर थोड़ा सा पीछे होती है ना, हाउस के नेम प्लेट पे देखती है कि यहाँ पर क्या लिखा है। वहां पर वही लिखा होता है सेम, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। वो कहती है नहीं, एड्रेस तो सही है, फिर मुझे जान क्यों नहीं रही है। एंड जब वो लेडीज निकलकर बाहर आती है तो थोड़ा सा गेट खोल के रखती है, ऐसे झांकती है गेट में से। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी को नहीं चाहती कि कोई उनके घर के अंदर देखे या फिर कोई उनके घर के अंदर आए। एंड जब वो थोड़ा सा लेडीज बाहर निकल के आती है तो वो देखती है कि उन्होंने पहन रखा है ग्रीन कलर का नेटेड कार्डिगन। कार्डिगन क्या होता है? एक स्वेटर की तरह होता है जिसके आगे बटन्स लगे होते हैं, ओपन होता है वो, बटन्स लगे होते हैं। एंड देन वो देखती हैं कि ये तो मेरी मम्मा का कार्डिगन है। एंड जो उसके आगे के बटन है वो भी पेल हो चुके हैं, यानी कि धुल धुल कर उनका कलर फेड हो चुका है। तो इन्हें लगता है कि हाँ, मैं सही जगह पर आई हूँ, ये मैं गलत एड्रेस पर नहीं आई हूँ। क्योंकि उनको अपनी मम्मा की चीज याद थी कि उन्होंने उनकी मम्मा का ग्रीन नेटेड कार्डिगन पहना है। एंड जब वुमन फिर थोड़ी देर बाद वुमन को याद आता है कि हाँ, ये एस की डॉटर है, देन वो कहती है अच्छा तुम वापस आ गए, मुझे तो लगता नहीं था तुम वापस आओगे। मतलब जो डार्लिंग थी वो तो यही सोच रही थी कि वहां से अब कोई वापस नहीं आने वाला, भाई उनकी जो चीज है अब वो हमारी है, अपने पास रख लो, उन्हें खुश रहो अब। मतलब कि उन्हें तो यही लगा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शौक हुई कि वो वापस आ गई। एंड देन जो वुमेन है वो उनसे पूछती है क्या तुम वापस आ गए। इसके बाद क्या होता है? शी सैड नाउ आई विल नॉट टॉक टू यू, वी विल टॉक सम अदर टाइम। देन क्या होता है? ऑथर कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं मेट्रो से ट्रैवल करके बहुत दूर से आई हूँ एंड मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझसे बात कर लीजिए। एंड मिस डार्लिंग क्या कहती है? नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मतलब कि वो चाहती है कि मतलब मैं किसी से बात ही ना करूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई बिलोंगिंग्स लेने तो वो अब आई है, तो कुछ ना कुछ क्या पता लेने आई हूँ। तो वो क्या कहती है? नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, बाद में आना, बाद में बात करेंगे। एंड वो डोर को बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। ऑथर को उस टाइम पे रियली में इतना बुरा लगता है। मतलब ऑथर ये सोच रहे होते कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब
कैसी लेडी है, मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हूँ एंड ये मेरी बात सुन भी नहीं रही एंड कह रही मेरे पास टाइम नहीं है। एंड जब जो ऑथर है वो ट्रैवल करते हुए मतलब वापस जा रही होती है मेट्रो साइड पे, जब वो जा रही होती है वहाँ से उस प्लेस से, क्योंकि जब उनकी उन्होंने डोर क्लोज कर देती हैं एंड जो डॉर्लिंग वो फिर से देखती है कि मैं मतलब जब वो जा रही होती है वो क्या करती है, वो एक बार दोबारा देखती है डॉर्लिंग नंबर 46 यानी कि मिस डॉर्लिंग की जो नेम प्लेट होती है उस पर देखती है कि उनका हाउस नंबर क्या है, उनका हाउस नंबर है 46 एंड मतलब उस प्लेसेस पर जाती है बहुत ज़्यादा सैड होती है एंड कहती है यार ये एड्रेस मुझे याद ही क्यों था, मतलब अगर याद ही ना होता तो अच्छा होता। एंड उस एड्रेस को वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये सोचते हैं कि काश याद ही ना होता मुझे तो बेटर होता। इसके बाद क्या होता है, कुछ मेमोरीज हैं जो वो याद करती हैं जाते टाइम रास्ते में, वो आसपास के एरिया को देखती हैं एंड वहाँ पे महसूस करती हैं कि कैसे वो अपने बचपन में वहाँ पे खेला करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया करती थी, तब वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अब वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें उन्हें बहुत ज़्यादा पेन देती हैं बट फिर भी उन्होंने अप्लाई की है द पॉलिसी ऑफ नेवर गिव अप जो हम सभी को अप्लाई करनी चाहिए। एंड देन इसके बाद वो एक इंसिडेंट याद करती है जब उनकी मम्मा उनको एड्रेस देती है किसका, मिसेस स्टॉलिंग का, कि जब वो एक बार घर से कहीं से आई होती है अपने घर पे, देन वो कहती है कि मम्मा हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं थोड़ी मिसिंग सी लग रही हैं, घर खाली खाली सा है। तब उनकी मम्मा बोलती है कि वैसे भी यहाँ पर वॉर चल रहा है तो हमें अगर यहाँ से जाना पड़ेगा तो वैसे भी हमारी सारी चीज़ें जो है वेस्ट हो जाएंगी, तो इससे अच्छा तो यही है कि हम अपनी चीज़ें किसी के पास सेव करके रखवा दें कि अगर हम वापस आएँ तो हम अपने बिलोंगिंग्स ले लें। देन उसके बाद क्या होता है, ऑथर एक और चीज़ बताती है कि वो एक बार देखती है एक लेडी को कि वो बहुत ज़्यादा हैवी सूटकेस लेके जा रही होती है एंड वो सूटकेस इतना भारी होता है, तो वो कहती है कि मम्मा ये लेडी कौन है, पहले तो मैंने कभी नहीं सुना इनके बारे में। उनके मम्मा बताती हैं कि ये वही मिसेज डॉर्लिंग है जिनके मैंने बारे में आपको बताया था, तो वो कहती है कि इतना भारी सूटकेस लेके जा रही है उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती होंगी, ये कहाँ पर रहती है, क्या इनका घर बहुत ज़्यादा दूर है। तब उनकी मम्मा बताती है कि नहीं ये हाउस नंबर 46 में रहती है मार्कोनी स्ट्रीट में। देन उनके उस टाइम पे ऑथर को पता चलता है कि डॉर्लिंग मिस डॉर्लिंग कहाँ पे रहती है, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में। आफ्टर द वॉर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है एंड वॉर एंडेड हो गया है एंड अब जो ऑथर है वो किराए के कमरे में एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहाँ पर उनको आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि उनकी जो मदर की बिलोंगिंग्स हैं वो उनके पास हों, वो उनको टच कर सकें, उनको फील कर सकें। एंड देन वो सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे एक बार दोबारा जाना चाहिए अपनी चीज़ों को लेने के लिए, वो मेरी चीज़ें हैं मुझे चाहिए। देन वो क्या करती हैं, दोबारा जाती हैं कहाँ पर, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। सो ऑथर दोबारा जाती है सेकंड विजिट के लिए एंड वो दोबारा डोर पे नॉक नॉक करती है। अब की बार डोर लेडीज नहीं खोलती, एक छोटी 15 साल की लड़की आती है वो डोर खोलती है एंड वो पूछती है हाँ जी आप कौन, आपको किससे मिलना है। देन ऑथर बताती है कि मुझे आपकी मम्मा से मिलना है। देन वो कहते हैं आप अंदर आइए और अंदर बैठ जाइए। एंड देन जब ऑथर अंदर जा रहे होते हैं देन वो देखती हैं कि आसपास जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, वो याद कर पा रही थी कि हाँ ये सब चीज़ें मेरी हैं। नरेटर सबसे पहले देखते हैं ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर, सबसे पहले वही देखते हैं जिसको वो यूज़ ही नहीं करते थे क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी था वो, बट उनको वो सजाने के लिए वैसे नॉर्मली रखे रखते थे बट यूज़ नहीं करते थे। एंड जब वो अंदर उसके पैसेज में से जाते हैं, रूम के पैसेज में से जब जाते हैं, देन वो देखते हैं कि आसपास की जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा फैमिलियर हैं, वो उन चीज़ों को फील कर पा रही थी कि हाँ ये मेरी चीज़ें हैं, यह हम भी यूज़ करते थे। एंड वो क्या देखती हैं, वो अब जब अंदर जाती हैं वहाँ पे बैठती हैं, देन वो देखती हैं जो टेबल के ऊपर जो कवर लगा रहता है, देन वो देखती हैं उस पर वही बंट मार्क है जो हमारे पास था उस पर भी था। देन उनको पता चलता है कि हाँ ये सब हमारी ही चीज़ें हैं एंड बट उनकी जो बेटी थी मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी थी उनको यही लगता था कि उनकी मम्मा ये सारी सामान खरीद के लाती हैं, उनको ये नहीं पता था कि वो उनके घर से लाती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो लड़की चाय लेकर आती है एंड जब वो ऑथर उस कप को देखती हैं देन वो देखती हैं जो वो कप था उसकी जो बॉर्डर थी उसके ऊपर वही गोल्डन कलर का बॉर्डर था, जैसे कि एक कप होता है इसके ऊपर वही गोल्डन कलर का बॉर्डर था जब वो अपने टाइम पे यूज़ करते थे जब उनकी मम्मा उस कप को लाती थी। एंड जो बॉर्डर था उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि यस ये मेरी ही चीज़ है। एंड
जब वो स्पून्स को देखती हैं तब तो वो एक और इंसिडेंट याद करती हैं कि एक बार उनकी मम्मा बोलती हैं कि हमें स्पून्स को साफ करना है, उनको पॉलिश करनी है। देन वो पूछती हैं कि मम्मा इस पे पॉलिश क्यों कर रहे हैं। तो उनकी मम्मा बताती हैं कि जो ये स्पून्स हैं ये सिल्वर की हैं। देन वो मतलब इतने ज़्यादा उन्हें अजीब लगता है कि हम सिल्वर्स के बर्तन यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद जो ऑथर हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि मुझे अभी इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए क्योंकि अब इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि जो उनसे रिलेटेड जो मेरे पेरेंट्स थे अब वही नहीं रहे, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, अब मुझे इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। एंड देन वो सोचते कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड देन वो वहाँ से चलने लगते हैं। देन वो लड़की पूछती है कि आपको मेरी मम्मा से नहीं मिलना, रुक जाओ वो आने ही वाली होंगी। देन ऑथर कहती है कि नहीं मुझे नहीं मिलना, मैं लेट हो रही हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। देन वो वहाँ से चली जाती है। एंड लास्ट टाइम वो फिर यही सोचते हैं कि अब इस एड्रेस को मैं भूल जाऊंगी, इस एड्रेस को भूलने की कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊं एंड अपने एक नई वैल्यू, नई लाइफ और एक नई लाइफ में नई चीज़ें सीखने की कोशिश करूंगी, इन सब चीज़ों को कोशिश करूंगी कि मैं भूल जाऊं एंड अपने नई लाइफ के लिए ट्राई करूंगी बेटर से बेटर। एंड स्टिल ये चैप्टर यही तक था। स्टिल आपको ये स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। गुड बाय।